असली दिवाली तो अभी है, मतलब रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए फेस पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक और नए दिन की शुरुआत पे आप सभी का स्वागत है। तो आज बज चुका है 8:30 उठने में, चलिए फटाफट से अपने दिन को शुरू करते हैं। थोड़ा सा वॉक हो जाता है सुबह सुबह अपने रूम पे, ठंडा बहुत ज्यादा है यार। तो अभी थोड़ा सा योगा का प्रैक्टिस हुआ जिसमें हम किए सूर्य नमस्कार और साथ ही में किए थोड़ा सा वार्म अप। हम हो गए रेडी और आज भी ठंडा बहुत ज्यादा है, वापस अपने ब्राउन वाले पैंट के साथ, क्योंकि ये वाला पैंट ऑलरेडी कलर लगा के हम गंदा कर चुके हैं, तो सोचे दूसरा पैंट को गंदा करेंगे नहीं। और बस हम तैयार है, चलिए अभी कुछ जूस बनाते हैं। वही बीटरूट का जूस बनाएंगे, साथ ही में गाजर डालेंगे और रेसिपी तो आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर रखे। बीट काटने में हाथ में लग गया चाकू से चोट, अभी तो पता नहीं चल रहा कहाँ पे लगाया, लग रहा है इस जगह पे लगा, यहाँ पे अभी पता नहीं चल रहा क्योंकि ठंडा में पूरा हाथ झुनझुन आ गया। तो इधर हमारा जूस बनके तैयार है, पीगा सत्यम पीगा जूस बीट का। जोर से चाकू लगा, लग रहा क्रैक हुआ है, हम बोले तो ना लगाए बड़े जोर से मेरे हाथ में। हम बैठ के एटॉमिक हैबिट पढ़ रहे थे थोड़ा सा, दो पेज पढ़ लिए, अब चलिए हम लोग चलते हैं। दादी भी आ चुकी है, पापा भी गए हुए थे कहीं कुछ काम से, इसलिए हम बैठे थे दुकान पे। हमारा आधे रास्ते में टोटो ही फंस गया, मिट्टी रास्ता का क्या ही बोलेगा, इतना प्रॉब्लम होता है कि क्या ही बताएं। अभी हम जो चैप्टर पढ़े वो है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका ये सारा कला वाला पढ़ लिए, मतलब एक मिट्टी वाला, एक मूर्ति वाला और साथ ही में पैसा वाला, ये सारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, महाभारत का आप लोगों को एक स्टोरी पता है उषा और अनिरुद्ध का, अभी हम पढ़ रहे थे तो सोचे कि चलो आप लोगों को दिखाते हैं, लीजिए पढ़ लीजिए आप लोग स्टॉप करके। अभी हम सोच रहे थे ना ये वाले टॉपिक को पढ़ने का, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट अभी नहीं, पहले रीजनिंग का क्लास को कम्प्लीट करते उसके बाद। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है कैलेंडर, जो कि अभी नहीं पढ़ने वाले, तो चलिए अभी मैथ्स का क्लास करते हैं। फिर थोड़ा सा हम परसेंटेज पढ़े एंड ये हो गया डन, तो चलिए शट डाउन करते हैं। ये सब देख के प्रतीत होता है कि कल हमारे शहर का एक अलग ही रूप दिखने को मिलने वाला है आप लोगों को। कल तो रैली निकलने वाला है और मेरा भी टाइम इतना लिमिटेड हो गया ना कि क्या बताएं, मतलब लाइक ऐसे ऐसे हो गया है कि इसके बाद हमको इतना पढ़ना है, उसके बाद फिर पेंटिंग करने जाना है, तो मतलब ऐसे पता है पढ़ाई में भी मजा आता है और दिन भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है। ऐसे जब हम नहीं पढ़ाई करते, मतलब बीच में जब मेरा पढ़ाई रुका हुआ था, तो उस टाइम पता हम सोचते थे कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना, क्योंकि पता है सोचने से बस नहीं हुआ, अगर किसी चीज़ को करना है ना तो उसको करना स्टार्ट कर दो, तो सारा कुछ ना खुद ही ट्रैक पे आ जाएगा, तब ये नहीं लगेगा कि अरे आज हम पढ़ाई नहीं किए, मतलब रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए। दिन ऐसा करो या काम ऐसा करो कि लगे कि हाँ आज हम कुछ किए। तो मेरा भी रीजनिंग का भी क्लास हो गया, मैथ्स का भी क्लास हो गया, साथ ही में हम पेंटिंग करने भी आ गए। लेट सी कि आज हम लोग किस पे पेंटिंग करने वाले, बहुत सारा चीज अभी हम यहाँ पे सीख रहे हैं और ये मेरे लिए वॉल पेंटिंग तो नया है, इससे पहले हम थोड़ा बहुत किए हैं, तो मेरे लिए बहुत नया और हम बहुत सारा चीज मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ज्यादा मजा आ रहा है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं पैदल, सोचे कि इधर थोड़ा वॉक करके चल लेते हैं। डायरेक्ट प्रेशर मेरे फेस पे, मैंने बाल्टी में ब्रश मार दिया और पूरे फेस पे चला गया, धो के आए और अभी हम खाने लगे ऑरेंज, कलर मिला रहे थे, वो कलर मिलाने में क्या हुआ ना बाल्टी में ऐसे करके क्या बताएगा। और आज मेरा ज्यादातर काम था बैकग्राउंड में पेंटिंग करने का, तो बस वही कर रहे थे और इसके ऊपर भी अभी बहुत सारा काम बाकी है, तो वो आप लोग आगे वाले वीडियो में देखना। टू आवर हाथ का हालत खराब हो रहा है मेरा, थोड़ा सा हाथ को रेस्ट दे रहे हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। हेलो गाइस, हेलो हेलो, क्या चीज का पेड़ है? अच्छा बेल पत्थर है। तो आज का हो गया वर्क डन और आज बैकग्राउंड में ज्यादा काम था, तो बैकग्राउंड का काम करके अंकल भी देख रहे हैं, तो आज ज्यादातर बैकग्राउंड का काम किया इसलिए टाइम लैप्स भी नहीं लगाए थे। खैर अब हम निकल रहे हैं, पता है इतना ज्यादा ठंडा लग रहा है, एक चीज आप लोगों को दिखाते हैं, मेरा जैकेट पूरा खराब हो गया, देखिए ये ब्लू कलर का बैकग्राउंड था और जैसे क्या हुआ ना स्प्रे, पहले तो बाल्टी मार के अपना पूरा फेस गंदा किया, उसके बाद वो दीवार पे मारे वापस रिफ्लेक्ट होकर पूरा मेरे कपड़े पे लग गया, कपड़ा वो कमर में बांध लिए थे और पूरा गड़बड़ हो गया, नया नया कपड़ा
क्या कर सकते हैं गाइस, आर्टिस्ट के साथ ऐसा ही होता है। हम वहाँ भी पेंटिंग करते थे तो मेरे साथ कुछ ना कुछ कपड़ा में गड़बड़ होते रहता था, कपड़े में कलर लगते रहता था। खैर यहाँ भी, अरे कल वाला पेंटिंग देखे, कल इस पे किए थे। हम पैदल क्यों चल रहे हैं, चलिए पहले ऑटो लेते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है। ऑटो लेते हैं, आगे चल के फिर थोड़ा सा वॉक करेंगे। आपका वाइब इन्जॉय कीजिए बस। तो ठंडा बहुत ज्यादा है इसलिए बस कान नहीं, मतलब जितना ढक सकते हो उतना ढक लो। जिस जगह पे काम करते हो इतना ठंडा ठंडा हवा चलने लगा ना, 4 बजे तो लग रहा था कि 6 बज गया है। खैर अभी निकल गए, थोड़ा पैदल चलते हैं, चलिए चाय साय पियेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बात करते करते घर पहुंच जाएंगे। तो आज चाय नहीं, आज मोमोज खा रहे हैं। शहर में दिवाली तो है, मानना पड़ेगा। असली दिवाली तो अभी है, क्या वाइब आ रहा है यार, मजा आ रहा है। इसलिए हम पता है उतर गए उधर से, सोचे कि चलो पैदल चलते हैं थोड़ा। तो हम घर आ चुके गाइस, आज बहुत ज्यादा ठंडा है, लग रहा था कि इतना सा स्वेटर हम बहुत कम पहने जबकि ये ऊन वाला है। खैर चलिए अभी चलते हैं दुकान पे क्योंकि पापा जा रहे हैं दूध लाने के लिए, आने के साथ दुकान पे जा रहे हैं गाइस। 2 मिनट भी नहीं रेस्ट कर पाएंगे। खैर 2 मिनट रेस्ट करने के बाद ही जाएंगे। यहाँ देख लीजिए नया दरवाजा आ चुका है हमारे घर के लिए, खा पी के पचा लिया तब हमको जाके झालमुड़ी पहुँचा रहा। बोलो झालमुड़ी, झालमुड़ी के साथ तब क्या है, मीठा मुड़ी है क्या, भेलपुड़ी सत्यम भैया के तरफ से। खा के पी के और बर्तन धो के आ चुके और अभी हम जा रहे वीडियो एडिट करके सोने, और आप लोगों से मिलेंगे अब कल सुबह 8:30 बजे। और कल का ब्लॉग बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि कल राम जी आने वाले हैं, तो कल का ब्लॉग आप लोग देखना, कल का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं इसी के साथ आप लोगों से कल सुबह 8:30 बजे। ओके बाय, ध्यान रखिएगा अपना और सभी को जय श्री राम।